केपी साहू। आज हम देखेंगे फिजिक्स में डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति। हमने पिछली वीडियो में देखा था कूलम का नियम क्या कह रहा था। कूलम का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अर्थात आर दूरी पर रखे हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, चार्ज को हम हिंदी में आवेश कहते हैं, इनके बीच की दूरी R है, तो इन पर लगने वाला जो बल है, इन पर जो फोर्स लगेगा वो F = क्या होता है, 1/4πε0Q1Q2/r2। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एक हमारा चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज Q0 है, तो यही ला एप्लीकेबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F = 1/4πε0Q Q0/r2। यही जो चीज़ है हमें गॉसेस थ्योरम के द्वारा ड्राइव करनी है, गॉसेस थ्योरम से, गॉसेस गॉस की प्रमेय से लेके आनी है। गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको क्लोज सरफेस का होना ज़रूरी है। किसी भी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं या गॉसी पृष्ठ कहते हैं। हम यहाँ हमने देखा कि एक पॉइंट है ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश, अर्थात प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियस से ई की तरफ आगे बढ़ रही है, और डीएस जो है छोटा सा सरफेस है, सतह है। तो हमने क्या किया, आर को रेडियस लेके छोटे से साइज का एक चारों साइड से स्फीयर बना लिया, एक गोला बना लिया। ये स्फीयर एक क्लोज सरफेस की तरह काम करेगा, बंद पृष्ठ की तरह काम करेगा, और इसी बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ या इस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। हम जो फ्लक्स है, फ्लक्स की परिभाषा से जो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, तो कितना फ्लक्स जाएगा इसको हम डिफाइन करते हैं, φ = होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E·dS। अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये डॉट प्रोडक्ट है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि A·B = क्या होता है, AB cos θ। A·B = AB cos θ। हम यहाँ ध्यान से देखेंगे E·dS है, तो φ = क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सतह का समाकलन E·dS और ये cos θ। अब यहाँ पर चूंकि ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ है, यहाँ ds और E के बीच में जो एंगल है वो 0° का है, सिंस हेयर एंगल कितना है, 0° का है, कोण कितना है, 0° का, तो ये 0° हम यहाँ पुटअप करेंगे, तो φ = कितना होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E·dS cos 0। हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो φ = क्या होगा हमारा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E·dS। ई यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ला के लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। हमारा जो सरफेस एरिया है यहाँ पे, चूंकि स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, स्फीयर है तो सरफेस एरिया होगा 4πr2। अब सरफेस एरिया इसे कहेंगे सतह का क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr2। तो यहाँ पे हम इसको पुटअप कर देंगे, तो φ = क्या होगा, E·4πr2। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम गॉस थ्योरम को जानते हैं, तो हम यहाँ लेंगे फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। तो जैसे ही हम यहाँ पे गॉसेस थ्योरम से जाएंगे, गॉसेस थ्योरम गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय ने हमें क्या बताया था कि जो टोटल चार्ज होता है, टोटल फ्लक्स होता है,
वो सेंटर में जितना चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम होता है। यहाँ पर सेंटर में चार्ज आवेश कितना है क्यू, तो यहाँ पे फाई जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन ε0 के इक्वल होगा, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है या आवेश है। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 समीकरण क्रमांक 1 व 2 से, चूंकि ये भी फाई के इक्वल है और ये भी फाई के इक्वल है तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E = E into 4πr² = Q/ε0। यह हम नीचे की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो E = हमें क्या प्राप्त होगा, 1/4πε0Q/r². ये क्या मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ओपी डायरेक्शन में, ओपी दिशा में। बट हम ये जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पर पी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज कितना रख दिया हमने, सपोज करते हैं लेट टेस्ट चार्ज बी Q0। अगर परीक्षण आवेश कितना है, परीक्षण आवेश हमने मान लिया Q0 है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, वो डिफाइंड होता है F = Q0E। E की वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 3 से हमें मिल गई है, इसको हम वैल्यू में पुट अप कर देंगे तो F = क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q × Q0/r². हैंस प्रूव्ड, यही हमारा कूलाम का नियम है। प्लीज आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से सिंपल भाषा में बिना किसी बकवास के जो डेरिवेशन है उनको करने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।